आज मैं बैंगन भरता की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बैंगन भरता के लिए हम ले लिए हैं यहाँ पे बैंगन, और यहाँ पे हम एक बड़ा साइज का बैंगन का यूज़ किए हैं और धो लिए हैं और बीच से कट लगा लिए हैं ताकि इसमें देख लेंगे कि कीड़े ना रहे। बैंगन के ऊपर हम ऑयल लगा लेंगे। ऑयल लगाने से बैंगन का छिलका आसानी से निकल जाता है, और इसको कहीं कहीं हम कट लगा लेंगे ताकि इसमें लहसुन और मिर्च को हम डाल करके इसको भी रोस्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे 7 से 8 कलियाँ हम लहसुन लिए हैं और 4 हरी मिर्च का यूज़ किए हैं। तो मिर्च अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यूज़ करें। लहसुन और हरी मिर्च अगर बैंगन के साथ हम रोस्ट कर लेते हैं तो भरता में बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। और हम बैंगन भरता के लिए हम हरे वाले बैंगन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे लहसुन और मिर्चा को देखिए हम इस तरह से बैंगन के अंदर डाल दिए हैं। अब इसको हम पका लेंगे, तो मीडियम फ्लेम पर गैस पर हम पका लेंगे बैंगन को उलट पुलट करके, और एकदम नरम होने तक हम बैंगन को पकाएंगे। थोड़ी देर के बाद देखिए बैंगन पक चुका है, एकदम सॉफ्ट हो गया है। तो एक बर्तन में हम इसको रख लेते हैं और इसके ऊपर के छिलके हम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए ऑयल डालने से कितना आसानी से छिलके इसके निकल जा रहे हैं। तो छिलके निकाल लिए हैं, बैंगन को हम एक बॉल में रख लेते हैं और इसको हम मैश कर लेंगे बैंगन को, और इसमें जो लहसुन मिर्च है उसको भी हम अच्छा तरह से मैश कर लेंगे। तो यहाँ पे बैंगन हम अच्छी तरह से मैश कर लिए हैं। अब कढ़ाई को गर्म कर लेंगे और कढ़ाई में डाल देंगे 3 बड़ा चम्मच सरसों का तेल। ऑयल गर्म होने के बाद इसमें डाल देंगे 1/2 चम्मच जीरा और 1/4 चम्मच हम यहाँ पे हींग डाल देंगे, और लहसुन कटा हुआ डाल देंगे। तो 6 से 7 लहसुन लिए हैं, इसको हम काट लिए हैं, और एक मीडियम साइज़ का प्याज लिए हैं, इसको भी हम डाल देंगे और थोड़ी देर इसको चलाएंगे। तो मीडियम फ्लेम पर हम प्याज को भूनेंगे, तो बहुत ज़्यादा हमें प्याज को फ्राई नहीं करना है, थोड़ा सा प्याज नरम हो जाए। उसके बाद इसमें हम डाल देंगे हल्दी पाउडर 1/2 चम्मच, धनिया पाउडर 1/2 चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 1/2 चम्मच, और जीरा डाल देंगे हम 1/2 छोटा चम्मच। तो मिर्च अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लेंगे। पहले भी हम इसमें मिर्च हरी मिर्च का यूज़ किए हैं, तो सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद हम डाल देंगे टमाटर। तो टमाटर हम एक बड़ा साइज़ का यूज़ किए हैं, और इसको हम चलाते रहेंगे मीडियम फ्लेम पर, और एकदम टमाटर नरम हो जाएगा। जब तक 2 से 3 मिनट लगेंगे टमाटर को भी भूनने में और पकने में। टमाटर यहाँ पर पक चुका है। अब इसमें हम डाल देंगे मैश किया हुआ बैंगन। तो यहाँ पे हम बैंगन को चला लेंगे 2 मिनट के लिए, हम अभी इसको पकाएंगे। अब हम इसमें डाल देंगे नमक, तो स्वाद के अनुसार हम नमक डाल देंगे, और 1/2 छोटा चम्मच गरम मसाला डाल देंगे। फ्रेश हरी धनिया की पत्ती डाल देंगे, इससे इसका टेस्ट और भी बढ़ जाएगा। और सभी को मिक्स कर लेंगे, चला लेंगे। तो यहाँ पे 2 मिनट हो गया है और भरता बन करके तैयार हो गया है। तो गर्मा गर्म हम इसको सर्व कर लेते हैं। और बैंगन का भरता बहुत ही टेस्टी बना है और बहुत ही यम्मी लग रहा है। तो बैंगन का भरता को हम रोटी के साथ, पराठे के साथ सर्व कर सकते हैं, और ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर में कभी भी इसको बना सकते हैं। बहुत आसान सी रेसिपी है, झटपट से बन जाती है। तो आप भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर ये रेसिपी आपको पसंद आई हो तो वीडियो के नीचे जो लाइक का बटन है उसको ज़रूर क्लिक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और मेरे आने वाले रेसिपी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।